हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 22 मई 2019 संकट चतुर्थी व्रत, संपूर्ण पूजा विधि, चंद्र दर्शन, शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी या संकटहारा चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकट हरने वाली चतुर्थी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, और इस दिन व्रत रखने से भगवान गणेश जी व्यक्ति को विद्या बल बुद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। यह चतुर्थी हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाई जाती है। आज हम आपको साल 2019 मई माह में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। संकष्टी चतुर्थी तिथि, चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त। साल 2019 मई माह में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 22 मई बुधवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 22 मई बुधवार के दिन 1:40 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 23 मई गुरुवार 2:40 पर। संकष्टी चतुर्थी चंद्र दर्शन का शुभ समय होगा रात्रि 10:28। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी व्रत में संकट हरने वाले भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। इस दिन गणेश जी के सभी भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। संकटों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बहुत सी महिलाएं निर्जल व्रत भी करती हैं। चतुर्थी तिथि के दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर को गंगा जल या साफ पानी से स्वच्छ कर गणेश जी की प्रतिमा को लाल या पीले रंग के वस्त्र पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद उन्हें पान, लड्डू, धूप बत्ती, दूर्वा घास, चावल, हल्दी, कुमकुम चढ़ाकर उनके मंत्रों का जप आदि कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है, इसीलिए पूजा के समय उन्हें दूर्वा या धूप अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि चंद्र दर्शन कर चंद्रमा की पूजा के बाद ही उपवास खोला जाना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र दर्शन पूजन विधि की। गणेश चतुर्थी के व्रत में रात्रि चंद्र दर्शन की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ देकर तिल और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को धूप दीप आरती कर चंद्रदेव से सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत पूर्ण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था, जिस कारण इस दिन रात्रि चंद्रमा की पूजा बहुत ही खास मानी गई है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। माना जाता है कि चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन और चंद्र दर्शन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखता है और कथा सुनता है, भगवान गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसकी सभी परेशानियों का अंत कर बल बुद्धि विद्या व समृद्धि का वरदान उसे प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।